हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। FMGE 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे जाकर के चेक करनी होती है, कहाँ पे जाकर फिल करनी होती है, इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बनाया गया FMGE के रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र से google.com ओपन करनी होगी। वहाँ पर आपको टाइप करनी होगी FMGE 2022 IAS पेपर, जो एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको चेक करते मिलते हैं, देखते क्या आता है। उसको सर्च कर रहा हूँ, तो सर्च करते हैं जो फर्स्ट वाला लिंक देख रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक कर देंगे जगह। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड आपको यहाँ पर दिखता है, स्टार्ट कर दी गई है जहाँ पर रिलीज़ की गई है 15 मार्च 2022 को। ओके, तो 15 मार्च को की गई है, यानी कि आज के दिन को। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपकी नोटिफिकेशन आई हुई है कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, एंड फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करनी होती है। इस चीज़ अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म जो छोटा सा है, ये इस फॉर्म को फिल करने से क्या होगा कि FMGE के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स होते हैं, जो सभी नोटिफिकेशन होती हैं, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू। तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देख लिया यहाँ पर कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है, कि क्लिक है करके आपको चेक करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा कि देश के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। अभी वो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि पूरे देश के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। एक हमारे देश के सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो दूसरे देश के बच्चे होते हैं, फॉरेन कंट्री के बच्चे होते हैं, लड़की लड़कियाँ होती हैं, तो जब आप उनके साथ बातें करते हैं, खेलते हैं, लिखते हैं, कूदते रहते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, आपका टैलेंट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज, आपका माइंड सेट, ठीक है, आपका लैंग्वेज, इन सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सचेंज होने लगती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिएगा। तो जब आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो प्रैक्टिकल होंगे, आपके वाइवा होंगे, इंटर्नशिप होंगे, आपके प्लेसमेंट्स होते हैं, आपके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, आपके टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स, टेक्निकल फेस्टिवल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यह स्पेशल चैनल बनाया गया, इसका नाम इंडियन एडवांस स्टडीज़ है। ओके, तो आप इनमें से एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होता है, एडमिशन ले लेनी होती है, इजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है वहाँ पर आपको ये दिखता है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गई है, तो आपको क्लिक यहाँ पर करना होगा। तो जब भी आप यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जून सीज़न एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज ऑन 15 मार्च 2022 फॉर इन मेडिकल ग्रेजुएशन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। ओके, सो अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, क्लिक हियर टू। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर FMGE जून 2022 सीज़न का दिखने लगता है, जहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है, प्लीज़ वेट, मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई देगा, डिक्लेरेशन, तो प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू आर एप्लीकेंट और एजेंट बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट। तो अगर आप एप्लीकेंट है तो आप एप्लीकेंट पे टिक करें, आप एजेंट है तो एजेंट पे क्लिक करें। मैं एप्लीकेंट हूँ, यानी कि स्टूडेंट हूँ, मतलब अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, तो सबमिट करना होता है, और एक नोट है जो इंस्ट्रक्शंस है, ये रिकमेंड है ब्राउजर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरनेट एक्सप्लोजर, मोजिला, गूगल क्रोम, काइंडली क्लियर द ब्राउजर हिस्ट्री कैच बिफोर द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि कहीं पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा होता है, सब बताया गया है, तभी यह इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आई हुई है, ऐसा होता है। तो ये जो सभी बातें बताई गई हैं, इसे आप ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप अप्लाई करें और क्लोज़ करें पढ़ने के बाद। तो आप जब क्लोज़ कर देते तो आपको यहाँ पर दिखता है कि आपको फिल करनी है, आपका फुल नेम क्या है, आपका फुल नेम फिर से कंफर्म करें, मतलब दोबारा फिल करें अपना नाम, एंड डेट ऑफ बर्थ आप बताएं अपना, कैलेंडर पर क्लिक करनी है, कौन सा साल है, साल सेलेक्ट करनी है, ईयर YEER 1995 January 1st, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोला गया था मुझे कि कंफर्म करें, तो मेरे को हाँ मेरा यही है, तो मैं यहाँ पर
मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ यही है। अब आगे चलते हैं, जहाँ पर जेंडर बतानी होती है, मेल हूँ तो मैं मेल सेलेक्ट करूँगा, फीमेल है तो फीमेल, नेशनलिटी बतानी होती है। आप इंडियंस हैं, अच्छा तो इंडियन हैं तो आर यू आर नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, नहीं या फिर है तो बता सकते हैं आंसर। मोबाइल नंबर यहाँ पर दें और अल्टरनेट कोई भी एक फ़ोन नंबर दे सकते हैं। प्लीज़ प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस, वी आर कॉन्टैक्ट यू इन योर फ्यूचर सेविंग इन फॉरन कम्युनिकेशन। कभी भी ज़रूरत लगे, कुछ शेयरिंग करना होगा, कुछ भेजना होगा तो ई मेल आई डी पर आपको शेयर कर दिया जाता है। तो ई मेल आई डी यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपका यहाँ पर ई मेल आई डी रहेगा, यहाँ पर भी वापस से कंफर्म करेंगे, जनरेट ओ टी पी पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन नंबर पर ओ टी पी जाएगा और या फिर आपकी ई मेल आई डी पर ओ टी पी डायल टाइप करना होता है और फिर आपको आगे बढ़ना होता है। आई हैव प्रीव्यू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाई क्लिकिंग ऑन द बी रिव्यू एप्लीकेशन बटन एंड कंफर्म दैट द, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट इन द प्रीव्यू आर करेक्टेड। तो यहाँ पर आपको पहले जनरेट करना होगा ना, पहले जनरेट करना है, फिर जनरेट करके जैसे ओ टी पी आता है टाइप करना, ओ टी पी, ओ टी पी टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको सबमिट करना होता है। तो जब भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ओ टी पी के लिए, जनरेट ओ टी पी पर क्लिक करके, तो ऐसा कुछ देखेगा कैप्चा ऑथेंटिकेशन एंड कैप्चा फिल करने के बाद आपको ओ टी पी जाएगा, ठीक है। कैप्चा फिल करके सबमिट करना होता है, यानी कि आपको यहाँ पर लिखा है 6J3I6SIS, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है वो उस पर देख करके फिल कर सकते हैं। चलो फिल कर लेता हूँ, सबमिट ओ टी पी, काइंडली यूज़ द ओ टी पी रिसीव ऑन योर ई मेल आई डी। तो ई मेल आई डी पर मुझे ओ टी पी जाएगा, ठीक है, ओके बोल देता हूँ। तो जो भी आपका सबमिट करके हो जाएगा तो प्राइवेसी नोटिस, ओके प्राइवेसी नोटिस क्या है यहाँ पर, आप पर्सनल डिटेल्स, ओके एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेंट मतलब आपका नाम, सब वगैरह यहाँ पर देख चेक करना होता है, एग्रीड करना होगा, आई एग्री एंड नोट पढ़ सकते हैं यहाँ पर, आपका एप्लीकेशन आईडी वगैरह आपको दिखा दिया जाता है। आपको ये नोट डाउन करके रख लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो नोट डाउन कर लेने के बाद आपको क्लोज करना होता है और सभी डिटेल्स आप देखें, और आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ऊपर देख सकते हैं राइट साइड। तो मैं यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ जहाँ पर मुझे क्या दिखने वाला, क्या आने वाला आप खुद ही देख सकते हैं। तो रिकमेंडेड ब्राउज़र फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक पहले बताया था मैं। तो ये देखने के बाद आपको क्लिक करनी है और यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जहाँ पर आपको फिल करनी होती है आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तो सब फिल रहेगा ऑलरेडी, जो इस पर जिस पर ये ऑरेंज वाला है ना, जो खाली ये ब्लैंक है कुछ भरा नहीं हुआ है, तो उसके जगह पर फिल करनी होती है। आपका फादर नेम, मदर नेम और आप इमिग्रेशन सर्टिफिकेट कौन सी कंट्री का अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे आपका मोबाइल नंबर, सब फिल ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होती है जहाँ पे डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू वोटर आईडी कार्ड, आप बता सकते हैं अगर आपने किया तो, वोटर आईडी नंबर होता है, नहीं किया तो नो पे क्लिक करें। डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इशू पैन कार्ड, है तो आप यस करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू ड्राइविंग लाइसेंस, है तो यस करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू पासपोर्ट, है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। राइट, है तो यस, अगर यस है तो आपका आंसर आएगा यस है, तो आप यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देंगे और कौन सा डेट को वैलिड डेट है वो सब बताते होते, समझ गए। तो मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस बताएंगे आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है फेस पे आपके, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बर्थ बॉडी मार्क कुछ भी हो सकता है, तो ये बता सकते हैं कुछ बचपन का हो या फिर कभी उसको देख के आप समझ सकते हैं ऐसा कुछ, ओके मतलब आप मतलब अगर आप आइडेंटिफिकेशन कुछ प्रूफ नाम वगैरह कुछ बताते हो कि ये है आइडेंटिफिकेशन, इसको देखकर आप पहचान सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसा ही होता है पहचान सकते हैं। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहाँ पर आपको एड्रेस वन एड्रेस टू कंट्री बतानी होती है, आपको स्टेट बतानी होती है, स्टेट बताएंगे कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी स्टेट रहेगा आपका, सिटी, पिन कोड नंबर, इस परमानेंट एड्रेस सेम, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम, तो या मतलब आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम रखना चाहते हैं, हाँ तो यहाँ पर यस पे क्लिक करें, आप यस पे क्लिक करते सेम हो जाता है ऑलरेडी, परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। अब आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने की बात, जहाँ पर आपको 12th की डिटेल्स देनी होती है, जहाँ पर आप बताएंगे सब्जेक्ट
उसके परसेंटेज बताएंगे केमिस्ट्री, अगर आपने 12th साइंस से क्या रहेगा तो बता पाएंगे आप, ठीक है। साइंस से यहाँ पर बतानी होती है, फिजिक्स को बताएंगे कितने परसेंटेज आते हैं आपको, केमिस्ट्री में कितने आते हैं, बायोलॉजी में कितना आता, और आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे, और भी कोई सब्जेक्ट्स होंगे ऐड और कर सकते हैं, डिलीट चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे सभी सब्जेक्ट बताएंगे, और उसके परसेंटेज ग्रेड में आया फिर परसेंटेज में आते हो बता करके आंसर छोड़ें। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपने MBBS की डिटेल देनी होती है यहाँ पर, अगर आपने किया तो, अगर किया तो कौन से कंट्री कंप्लीशन है MBBS प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज आएंगी। तो इंडिया से मैंने किया है, इंडिया ओके। अब जिस किसी भी कंट्री से आपने किया रहेगा कंप्लीट, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अफगानिस्तान, अब सिटी बताएंगे वहाँ पे, सिटी होती है वहाँ पे। उसके बाद आपको बतानी होती है यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम बता सकते हैं आप, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शंस में बता सकते हैं, अगर नहीं आ रहे तो आप अदर पर क्लिक करके उसका नाम बताएँ, तो यहाँ पर आ रहे तो मैं बता दूँगा। और कौन से मंथ मैंने ज्वाइन किया था सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, जान में 2020 में, सॉरी जान में नहीं 18 में जान, हाँ मंथ ऑफ ईयर पासिंग, पासिंग मंथ बतानी होगी आपको 2021 मई में, तो आपके डेट वगैरह यहाँ पर कैलकुलेट हो जाते हैं ऑटो। एलिजिबिलिटी बताएंगे सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर डू यू हैव एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय दी MC और NMC, आपके पास है तो यस करेंगे, और डेट बताएंगे इशू, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप बताएंगे क्या लिखा है, वेदर यू हैव ज्वाइन प्राइमरी मेडिकल एज ए क्वालिफिकेशन कोर्स ड्यूरिंग ओके EC, मतलब एग्जामेशंस पीरियडिक, यहाँ पर दैट इज़ द पीरियडिक ऑफ मार्च 18th। अभी ये कुछ उसके बीच में टाइम और डेट के बीच में बताएगा कि आपको वहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। अगर आप उस डेट के अंदर आपने किया था तो यहाँ पर यस एंड नो आंसर दे सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आती है, ठीक है, डिपोर्ट रेस्ट्रिकेटेड ड्यूरिंग द मेडिकल ऑफ कोर्सेस, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है अगर आपने किया तो, यहाँ से बताएं नहीं किया तो नो पे क्लिक करें। मैं तो इसमें से कुछ नहीं किया हूँ तो नहीं करूँगा, अगर आपने किया है इसमें से कुछ तो आपने बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन एडिशनल है तो सेव है नेक्स्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा जो है सेव सक्सेसफुली हो गया है ओके। आपको यहाँ पर करना पड़ता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या देखेंगे यहाँ पर, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कैप्चर रियल टाइम फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको अपने रिसेंटली पासपोर्ट टाइप का यहाँ पर फ़ोटो जो रहता है वो खिंचा रहेगा, तो आपने क्लिक किया रहेगा कहीं पे भी कहीं से, तो क्लिक किया तो अपलोड करना होगा, अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, अपलोड योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो यहाँ पर जो थम्स के फिंगरप्रिंट होती है यहाँ पर वो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। और डिग्री की क्वालिफिकेशंस वगैरह ये सब तो करनी होगी, अपलोड गवर्नमेंट इशू पासवर्ड वो भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। टेस्ट सेंटर डिटेल्स यहाँ पर देनी होती है, जहाँ पर आप स्टेट बताएंगे आप कौन से स्टेट से, उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे पेमेंट डिटेल्स, जहाँ पर आपको इंक्लूडेड इन एग्जामिनेशन फीस 6018% GST पेमेंट भी होता है, ठीक है। डिक्लेरेशंस में आ गया, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशंस पूरी पढ़नी होगी, और आपको यहाँ पर आई हैव रिव्यू द डिटेल्स फिल बाय द मी अप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग द प्रीव्यू बटन, जो भी यहाँ पर लिखा है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने सब डिक्लेरेशंस को एक्सेप्ट किया, और आपको यहाँ पर फिल करनी होगी कैप्चा, और एग्री करना होगा, और फिर सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपलोड कर लिया, जब आप अपलोड करते हैं तो आपको ऐसा ग्रीन में अपलोडेड लिखा रहना चाहिए ओके। आप अपलोड करेंगे तो वहीं पे अपलोड सक्सेसफुली होगा, तब आपको क्लोज करना, और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन में लिखा रहेगा अपलोडेड, तो मैंने यहाँ पर सारा कर लिया है। अब आपको मैंने बताने के लिए यहाँ पर ये वीडियो को रोक करके आपको बताया फिल करने के बाद, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, कन्फ्यूज़न हो सकता है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपलोड करते हैं लास्ट में, एग्री सबमिट ओके। तो यहाँ से आपको सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएंगे, जिस वजह से पेमेंट कर सकते हैं, और आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ तक फिल करना जो था मैंने सब बता दिया, कम्प्लीटली हो चुका है। तो अगर आपको डाउट है डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, क्लिक करके पेज पर आकर के चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।